वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एरिथमेटिक के कुछ सवाल। बहुत इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री ए एंड बी इज 1980 एंड द फैक्ट्री सी हैज 40% मोर वर्कर्स इन द फैक्ट्री ए वाइल फैक्ट्री बी हैज 180 मोर वर्कर्स देन सी। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे करते हैं, एक मिनट। ए इज टू बी इज टू सी, ओके। ए और बी मिला के देखिए, ए और बी मिला के 1980 है, ये पता है। और बोल रहे सी हैज 40% मोर वर्कर्स देन फैक्ट्री ए। 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/5। ये अगर 5 है, सी का पास है 7, ठीक है, 5x 7x यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि वेल फैक्ट्री बी हैज 180 वर्क मोर वर्कर्स देन सी। बी का पास सी से 180 ज्यादा है, मतलब 7x सी का है तो प्लस 180, ठीक है, ओके। एक में ओके, तो ये हुआ उन लोगों का रेशियो। अब हम लोग को बताया गया है कि ए और बी इन दोनों को मिला के 1980 है। 5x प्लस 7x होता है 12x, 12x प्लस 180 इक्वल टू 1980, तो 12x इक्वल टू 0 0 1800, 12 15 180, 150, x का वैल्यू 150। तो यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द परसेंटेज x बाय व्हिच द नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री बी एग्जिट द नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री ए। ओके फाइन, एक्स का वैल्यू दे दिया गया है हम लोग को, जो रिलेशन निकालने के लिए बोला है ए और बी का बीच। देखिए, ए का वैल्यू कितना है, तो 5x, 5 × 150 मतलब 750, ठीक है। अच्छा, बी का वैल्यू कितना है, 7x, 7 × 15 1050, 105 और 0 180, ओके, 1230। ये जो 1230 है, कैलकुलेट द परसेंट एक्स बाय व्हिच द नंबर ऑफ वर्कर्स बी ए से कितना ज्यादा है, तो इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों ए और बी का बीच का जो डिफरेंस है वो है 480 बटे ए से, हम लोग को ए से कंपेयर करने बोला है, 750 इंटू 100 कर देंगे, 0 0 25 से 3 और सॉरी, ये 0 को पहले नहीं काटेंगे, ठीक है, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक मिनट, 750 इंटू 100 अगर कर देते, 25 से 4 चल जा रहा है, 25 से 30, 3 3 कटा 3 16 4 16 64। आंसर इज ऑप्शन ए। आशा करते हैं आपको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करण एंड ऋषि इनिशिएटेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2p एंड ₹p+12। ओके फाइन, करण एंड ऋषि, ये 2p, इसका जो अमाउंट है 2p और इनका p+12,000, ओके, सॉरी, p+12,000, ओके। तो अखिल ज्वाइन कर रहा है, अखिल जो है, अखिल ज्वाइन कर रहा है 4 महीने बाद, ठीक है। तो इन लोगों का टाइम का जो रेशियो हो जाएगा, ये 12 महीने, ये भी 12 महीने,
और ये 8 महीने का, इनका तो नहीं दिया है हम लोग का प्रिंसिपल, नहीं इन्वेस्टमेंट कितना का हुआ है नहीं दिया। गिवन दैट द ऋषिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 40% ग्रेटर देन अखिल्स, डिटरमाइन द अमाउंट। ओके फाइन, इसमें इसका रेशियो भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 40% ग्रेटर है ऋषि का अखिल से। ओके ये अगर 5 है तो ये 7 का रेशियो में है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट बटे टाइम। तो इसमें कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके तो हम लोग यहाँ पे बताया था टाइम का रेशियो 12:12। ओके इसमें हम लोग कर लेते हैं 4 से कटा 3, 4 से 3, 4 से 2। ओके टाइम का 3:32, टाइम का रेशियो है 3:32, टाइम का जो रेशियो है 3:3:2 और प्रॉफिट का 7:5 का, 7:5। हाँ ये करण का है, ये ऋषि का है, ये अखिल का है, ठीक है। अच्छा इन लोग इनका था 2M, सॉरी 2P, राइट 2P। ओके 2P प्लस 12,000, ये 2P, ये P प्लस 12,000 है और इनका दिया हुआ है 22500, ठीक है। तो ये अगर हम लोग प्रिंसिपल बटे टाइम, प्रिंसिपल बटे सॉरी प्रॉफिट बटे टाइम करते, इन लोगों को एलसीएम ला के सेम करो, 6:2:14:3:15। तो ये 15 हम लोग को मिल गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो इन दोनों का। ये 15 का वैल्यू दिया हुआ है 22500, इसका मतलब 15 का 1500 गुना है, ठीक है। तो 14 का भी 1500 गुना कितना होगा, 14 और 15, हाँ तो कितना होगा 2100, ठीक है, नहीं और 1 0 होगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू दे दिया गया है, पी प्लस 12,000 होगा 21,000, तो पी का मतलब कितना होगा 9,000, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2P है करंट का, तो 2P का मतलब होगा 18,000, ऑप्शन 3। आशा करते हैं आपको समझ आया है, बहुत अच्छे से एक एक सेंटेंस को समझ के समझाया है, तो शायद आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।